जम्मू के वायुसेना के एयर स्टेशन पर हाल में ड्रोन से किए गए हमले को लेकर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने कहा कि ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने की वजह से जटिल चुनौतियां बढ़ी है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं और सभी जवानों को इस पैदा होते खतरों से अवगत कराया गया है। एक थिंक टैंक से बातचीत में जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान चुनौतियों से अवगत हैं और इनसे निपटने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा कि हम उस खतरे से निपटने के लिए क्षमताएं विकसित कर रहे हैं, चाहे ये खतरे देश प्रायोजित हो या खुद देशों ने पैदा किए हो। ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने से निश्चित तौर पर जटिलता और चुनौतियां बढ़ी हैं। हम गतिज और गैर गतिज क्षेत्रों दोनों में ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ में आई कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता होने के बाद नियंत्रण रेखा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। उन्होंने कहा, घुसपैठ न होने से कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या कम है। जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व हमेशा रहेंगे जो शांति एवं विकास की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करेंगे, हमें इसका ध्यान रखना है। उन्होंने कहा, हमारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी और घुसपैठ रोधी मजबूत तंत्र है, शांति सामंजस्य सुनिश्चित करने का हमारा अभियान जारी रहेगा। बता दें कि बीते दिनों जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में देर रात दो धमाके होने से सनसनी फैल गई थी। जम्मू पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया था कि इन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन से किए गए ये धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई किलोमीटर तक इनकी आवाज सुनाई दी थी। जिस जगह ये धमाका हुआ था वहीं पर भारतीय वायुसेना का स्टेशन हेडक्वार्टर है और इसके साथ ही जम्मू का मुख्य हवाई अड्डा भी इसी परिसर में आता है। बता दें कि हाल के वर्षों में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन की एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। पिछले साल जून में BSF ने सीमा पार पाकिस्तान से आते हुए एक ड्रोन को कठुआ में मार गिराया था। इस ड्रोन के मार गिराए जाने पर इससे एक सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन, गोला बारूद और ग्रेनेड की बरामदगी हुई थी। इस ड्रोन का वजन करीब 18 किलो था और यह 5 से 6 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस ड्रोन की अधिकतर पुर्जे चीन में बने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें।